नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बचपन में आपने बत्तीसी दिखाने, बत्तीसी दिखाकर हंसने या फिर बत्तीसी तोड़ने की बात जरूर कही होगी या फिर सुनी होगी। हालांकि बत्तीसी तोड़ने वाली बात थोड़ी हिंसक प्रवृत्ति की है, लेकिन ये सारी कहावतें हमने बचपन में या फिर आज भी जरूर सुन लेते हैं। वो बात अलग है कि बत्तीसी कहने का चलन अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी गाहे बगाहे हमें सुनने को जरूर ही मिल जाता है। बत्तीसी किसे कहते हैं? जिन्हें नहीं पता, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बत्तीसी का तात्पर्य 32 दांतों से है। ज्यादातर इंसानों के 32 दांत होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने दांत गिन भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल पूरी खबर सुन लीजिए, उसके बाद ही आप अपने दांत गिनिएगा। अगर 32 दांत ना हो तो 28 तो जरूर ही होंगे। वैसे भी 32 शब्द का चलन अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अब लोग 32 शब्द का इस्तेमाल बहुत कम क्यों करते हैं? न्यू जनरेशन तो इस शब्द से शायद ही वाकिफ हो गई। दरअसल 21वीं सदी में जन्म लेने वाले लोगों में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके सिर्फ 28 दांत ही निकल रहे हैं। इस बारे में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस के सीनियर डेंटल एक्सपर्ट प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी ने एक स्टडी की है। इसके मुताबिक पिछले 20 साल से उनकी ओपीडी में आने वाले 25% युवाओं के सिर्फ 28 दांत ही निकल रहे हैं। 35% युवाओं को बड़ी मुश्किल से पूरे यानी कि 32 दांत आ पाते हैं। ये दांत भी टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट करके ठीक करना पड़ता है। प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी ने इस बारे में बात करते हुए बताया है कि अमूमन 18 से 25 साल के बीच के लोगों के 29 से लेकर 32 दांत निकल पाते हैं। इसे थर्ड मोलर दांत कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे अक्ल दाढ़ या फिर विज्म तीथ भी कहा जाता है। ये जबड़े के सबसे पिछले हिस्से में होते हैं। डॉक्टर ने अपने रिसर्च में कहा है कि पिछले 20 साल से 25% मरीजों के विज्म तीथ नहीं निकल रहे हैं। हमारे मुंह के अंदर खाना चबाने के लिए दांत होते हैं, जिनकी संख्या भी अब घटकर 8 हो गई है। यानी अब लोगों को खाना चबाने में भी समस्या हो रही है। यही नहीं, इसके अलावा प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी के मुताबिक कम दांत निकलने की ये समस्या शहरी युवाओं में है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताते हुए कहा कि नए जमाने के बच्चों ने दांत से कड़ी चीजें खानी कम कर दी हैं या फिर बंद कर दी हैं। तो इस तरह से डॉक्टर चतुर्वेदी के रिसर्च से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सच में अब नई जनरेशन के सिर 28 दांत ही निकलते हैं? वैसे आपके कितने दांत निकले हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए।